वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है भगारा बैंगन की जो हैदराबाद की फ़ेमस डिश है तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ जिसके लिए मैंने यहाँ वन फोर्थ कप शिंगदाना वन फोर्थ कप सूखा खोपरा वन फोर्थ कप सफ़ेद तिल और एक टेबल स्पून खसखस ये सब को ड्राई रोस्ट कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक एक पैन में जिस तरीके का हमें कलर चाहिए था हो गया है अब इसे हम मिक्सी जार में निकाल के थोड़ा ठंडा होने देंगे और हाफ कप के करीब पानी डाल के एक पेस्ट तैयार करके साइड में रख लेंगे अब यहाँ मैंने छोटे बैंगन लिए हैं जिसे हम इस तरीके का कट लगा के ऑयल में फ्राई कर लेंगे एक से दो मिनट के लिए यहाँ मैंने बैंगन को डीप फ्राई किया है आप चाहे तो थोड़े से तेल में भी फ्राई कर सकते हो बैंगन फ्राई हो गए हैं अब इन्हें हम निकाल के साइड में रख लेंगे और इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल लिया है जिसमें वन टीस्पून जीरा वन टीस्पून राई वन टीस्पून स्पून कलौजी हाफ टी स्पून मेथी दाना टू टीस्पून स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अच्छे से भून लेंगे जिंजर गार्लिक का कच्चापन जाने तक एक बड़े साइज़ का ऑनियन लेके के करके डाल लेंगे और ऑनियन को ट्रांसपलेंट होने तक पकाएंगे सात से आठ करी पत्ता डालेंगे और ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डालेंगे और उसी जार में थोड़ा पानी डाल के वो भी डाल लेंगे और अब कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जैसे कि एक टेबल स्पून धनिया पाउडर एक टेबल स्पून रेड चिली पाउडर तीखी वाली ली है मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी स्पून नमक और अब इन सब को बहुत अच्छे से भून लेंगे चार से पाँच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और कवर करके पकने देंगे दो मिनट के लिए बस जब तक के ऑयल सेपरेट ना हो जाए मसाले हमारे भून गए हैं ऑयल भी सेपरेट हो गया है अब इसमें हम इमली का खट्टा पानी डाल लेंगे अब चाहे तो एक टेबलस्पून इमली का पल भी यूज कर सकते हो और हाफ टी स्पून गुड़ का पाउडर डाल के भूनेंगे और फ्राई किया हुआ बैंगन और दो टमाटर भी इस तरीके से कट करके डाल के पाँच से छः मिनट के लिए कवर करके कुक कर लेंगे जब तक के टमाटर और बैंगन सॉफ़्ट ना हो जाए और इस तरीके से भगारा बैंगन बन के तैयार है जो कि हैदराबाद की बहुत ही फेमस डिश है जिसे साइड डिश के तौर पे भी सर्व किया जाता है बट आप इसे रोटी पराठा अच्छा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई करिएगा फ़ैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा मेरे चैनल पे नए हो तो वन टाइम सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपकमिंग रेसिपीज़ के लिए थैंक यू फॉर अल्लाह हाफिज़